जय हिंद स्टूडेंट्स। पिछले कुछ वीडियोस के अंदर में हम हेरॉन्स फार्मूले से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। अब ये लास्ट एग्जांपल मैं अभी आपको बताऊंगा और उसके बाद फिर आप लोगों को होमवर्क में मैं एक एक्सरसाइज दूंगा, ठीक है? तो अभी ये प्रॉब्लम को आप अच्छे से समझिए। क्वेश्चन है, अ ट्रायंगुलर पार्क ए बी सी हैज साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। एक ट्रायंगुलर पार्क है एबीसी नाम का, जिसकी साइड्स दी है 120, 80 और 50। तो अभी मैं इतना ही पार्ट आपको बोर्ड पे निकाल के बता रहा हूँ। ये एक ट्रायंगुलर शेप का पार्क है, सपोज इसको हम एबीसी बोल रहे हैं। इसकी तीन साइड्स दी हैं 50 मीटर, 80 मीटर और 120 मीटर के। आगे, अ गार्डनर धनिया हैज़ टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट। एक गार्डनर है जिसका ये जो इस गार्डन में काम कर रहा है, उसको इसके अराउंड में फेंसिंग करना है, ठीक है? अब हम सब जानते हैं कि फेंसिंग जो होगी वो बाउंड्री पे होगी, मतलब हमको यहाँ पे लेना देना पेरीमीटर से होगा। एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इन साइड, और इसके अंदर में उसको ग्रास भी प्लांट करना है, जिसके लिए हमको एरिया पता करना पड़ेगा। वो पूछ रहा है हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, कितने एरिया में उसको ग्रास प्लांट करना पड़ेगा। सीधा सीधा उसी ने पूछ लिया एरिया कितना है। सेकेंड क्वेश्चन उसमें कंटिन्यू में है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट, इसको फेंस करने के लिए कितना खर्च आएगा। विथ बार्ब्ड वायर, कांटों वाली तार से फेंसिंग अगर करना है तो कितना खर्च आएगा। एट द रेट ऑफ ₹20 per meter, मैं रफ में अगर यहाँ पे रेट की बात करूँ तो आता है ₹20 per meter। पहले वीडियो में ही मैंने आपको इससे रिलेटेड एग्जाम्पल पढ़ा दिया था, ठीक है? लीविंग अ स्पेस ऑफ 3 meter वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड, अब उसको फेंसिंग तो करना है कांटों वाली तार से, लेकिन एक किसी भी एक साइड से उसको यहाँ पे 3 meter का पार्ट खुला छोड़ना है, ताकि यहाँ पर वो गेट लगा सके। यहाँ पर उसको 3 meter का एक जगह खाली छोड़ना है, ताकि वो वहाँ पर गेट लगा सके, ठीक है, आने जाने के लिए। बाकी सारी जगहों पे उसको फेंसिंग करना पड़ेगा, यानि हम लोगों को यहाँ पे फेंसिंग करते वक्त जो पेरीमीटर निकालना है, उस पेरीमीटर में से 3 meter छोड़ देना पड़ेगा, ताकि वहाँ पे वो गेट लगा सके। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एरिया की बात कर लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे बोलेंगे लेट ट्रायंगल ए बी सी बी ए ट्रायंगुलर पार्क सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए विच इज इक्वल टू 50 meter, AC is equals to B which is equals to 80 meter and BC is equals to C which is equal to 120 meter, ठीक है? तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद हम बोलेंगे therefore perimeter of triangle ABC is equal to 50 plus 80 plus 120। यहाँ पर इनको अगर आप प्लस करते हो तो ये आएगा 200 और ये 250। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर अभी आपने 3 meter माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी मुझे एरिया निकालना है, एरिया के लिए पूरा पेरीमीटर चाहिए, वहाँ पे गेट है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम फेंसिंग की बात करेंगे तब हम ये 3 meter माइनस करेंगे, अभी तो हमको पूरा पेरीमीटर चाहिए, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से। अब पेरीमीटर से हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, लेट एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर विच इज इक्वल टू पी बाय टू, यानि 250 by 2, यानि 125 meter, 125 meter, ये 250 है, ठीक है, ये सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हम हेरॉन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे, देयरफॉर बाय हेरॉन्स फार्मूला। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पिछले फर्स्ट टाइम के कंपैरिजन में अब आपको हेरॉन्स फार्मूला अप्लाई करना और सॉल्व करना थोड़ा इजी जा रहा होगा, ठीक है? अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आई एम जस्ट अ कॉल अवे, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है? बाय हेरॉन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी
एस माइनस सी। अब यहाँ पे एस का वैल्यू रखेंगे 125 मल्टीप्लाइड बाय 125 माइनस 50, 125 माइनस 80 और 125 माइनस 120। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं। 125 को क्या मैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 25 लिख सकता हूँ? बिल्कुल। अब 125 में से 50 गए तो ये आएगा 75, 125 में से 80 गए तो ये बचेगा 45, 125 में से 20 गए बचेगा 5। अब आप देखिए यहाँ पे दो बार 5 ऑलरेडी आ चुके हैं तो एक बाहर ले लिया। 25 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर तो इसका स्क्वायर रूट 5 आएगा। अंदर ब्रैकेट में 75 है तो 75 को अगेन मैं 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख रहा हूँ क्योंकि 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 3 45 में एक बार कहीं ना कहीं मिल जाएगा। 45 कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाइड बाय 15, 15 यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, अब यहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है, वो बाहर आएगा, तब तक इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 25 इसका स्क्वायर रूट 5 आया, ये दो थ्रीज में से एक थ्री बाहर आएगा। अब ये 5 और 3 के साथ कोई पेयरिंग है नहीं तो वो अंदर फिर से आ जाएगा, दैट इज़ 15। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 25 फाइव ज़ा 125, 125 मल्टीप्लाइड बाई 3 कम्स आउट टू बी 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया में धनिया जो है वो ग्रास प्लांट करेगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर धनिया will plant the grass in 375 under root 15 meter square area। ठीक है, 375 under root 15 meter square area। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा तो मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आया है। ठीक है, अब हम फेंसिंग की बात करते हैं कि इसको टोटल कॉस्ट कितना लगेगा कांटों वाली तार यानी बार्ड वायर लगाने के लिए। ओके, सो आई एम रबिंग इट फॉर यू। तो चलिए अब हम बात करते हैं फेंसिंग के लिए। तो पहले आप बोलोगे कि लेंथ ऑफ फेंस इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल माइनस 3 मीटर, क्योंकि ये गेट का एरिया है जो हमको वहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। तो अभी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 250, हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। माइनस 3 इज इक्वल टू 247 मीटर पे उसको फेंसिंग करना है। रेट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू ₹20 पर मीटर, 1 मीटर के लिए वो कितना चार्ज कर रहा है, 20 मीटर। तो आप बोलोगे देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विल बी इक्वल टू, क्या रहेगा, रेट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ फेंस, फेंस का लेंथ। तो रेट आ रहा है 20 मल्टीप्लाइड बाय आएगा 247। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आता है 2 8 7 14, कैरी 1 2 4 8 9, 2 2 4 और ये 0 रुपीस। तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाता है 4940। तो आप बोलोगे देयर फोर टोटल कॉस्ट, तो लिखा ही है तो डबल लिखने की ज़रूरत नहीं। ओके, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगेन होमवर्क कि आप ये पहले प्रॉब्लम फिर से एक बार बिना देख के सॉल्व करके देखो। ठीक है, अभी नेक्स्ट होमवर्क जो मैं आपको दे रहा हूँ वो है एक्सरसाइज 12.1। आई नो आप लोगों के पास में टेक्स्ट बुक नहीं है, इसीलिए मैं अभी आपको स्क्रीन पे टेक्स्ट बुक का पेज शो कर रहा हूँ। आप इस पेज का या इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आपके पास में क्वेश्चन रहे, फिर आप उसमें से क्वेश्चन पढ़ पढ़ के आप इसको सॉल्व करोगे। अगले वीडियोस में मैं इन क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में, जो मुझे लगता है कि मुझे बताने चाहिए, जो आपको आ सकते होंगे उसका मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊँगा। ठीक है,
तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट अभी लेने के लिए रेडी रहिए, ठीक है। तो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने रखा हुआ है टेक्स्ट बुक, ठीक है। आपको ये, हाँ, अभी आपको ये दिखाई दे रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको जूम करके आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो 12.1 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे है, यहाँ पे दो क्वेश्चंस आप देख सक रहे हो। नेक्स्ट पार्ट बाजू के पेज पे है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है। इसको जूम करके देखोगे तो आपको डिटेल समझ में आएगा। ठीक है, तो अब ये एग्जाइज सॉल्व करके रखिए, अगले वीडियो में मिलते हैं इसके सॉल्यूशंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बी एट होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।